मैं क्या करूं यार, सब मुझे टारगेट करते हैं, प्लीज मुझे टारगेट मत करो, सबने मुझे कॉर्नर कर दिया है प्लीज। बेबिका और बेबिका की ये इस तरीके की नौटंकी, जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों, बेबिका अक्सर लोगों से लड़ते लड़ते यही डायलॉग बोलती है, मैंने क्या कर दिया प्लीज, सब मुझे टारगेट करते हैं। ये अक्सर वो लड़ते हुए बोल देती है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं, जहां पे वो दर्शकों के दिमाग में ये बात बिठाना चाहती हैं कि भाई सभी लोग मुझे टारगेट करते हैं। अब आप लोगों को बता दूं तो अभिषेक मल्हान अपने फुकरे इंसान में कैसे बेबिका के गलतफहमी के गुब्बारों को फोड़ डाला और बेबिका को जमीन पे लेकर आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं यारों का यार होस्ट राहुल भोज। राहुल भोज कॉमेडी मेरा दूसरा नया चैनल है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया है, जरूर देखिएगा, यू विल डेफिनेटली गोना लव इट, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों, बेबिका जो कि अपने आप को सो कॉल्ड सही समझती हैं, जहां पे सलमान साहब कह रहे हैं कि बेबिका कभी बदल नहीं सकती और मोस्ट इरिटेटिंग बन जाती है, नहीं सर आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री। सलमान साहब जो कि बिग बॉस को इतने सालों से होस्ट करते हुए आ रहे हैं, वो तक ये बात बोल जाते हैं, लेकिन हमारी जो बंदी है बेबिका नहीं करती है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, और बेबिका में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। अब दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस यहां पे ही नहीं रुकता, ये कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर देता है अभिषेक। बेबिका यहां पर अभिषेक के साथ वीकेंड के वार के बाद चीजें पलटते हुए नजर आई हैं। बेबिका जो कि अभी तक उछल रही थी, वो तुरंत अभिषेक के पास वापस आ गई, क्योंकि सलमान साहब ने बात बोल दी कि पूजा और तुम जो हैं बहुत ही जबरदस्त लग रहे हो, और मतलब ये लोग इतने शातिर हैं कि वीकेंड के वार को एनालाइज करके तुरंत जो है उस पर मुद्दे और अपनी सारी बातें क्लियर कर लेते हैं, बाकी के बच्चे कंटेस्टेंट्स। तो अब यहाँ पर बेबिका जो है वो मल्हान के साथ बातचीत करने आ गई, बोलने लगे कि यार ऐसा है वैसा है, तो गलत जा रहा है, ये है वो है, सब लोग मुझे ही टारगेट करते हैं, मैं सही हूँ। तो ये बात बोलते हुए, मैं ऑनेस्ट हूँ इसलिए मैं सही हूँ, ये बात बोलते हुए नजर आते हैं अभिषेक की। बहन तू ऑनेस्ट अपने दिमाग में होगी, लेकिन लोगों के लिए तू ऑनेस्ट नहीं है, तू ऑनेस्ट अपने लिए होगी, लेकिन लोगों के लिए तू ऑनेस्ट नहीं है। और ये जब बात बोलते हैं अभिषेक मल्हान, बेबिका के गलतफहमी के जो गुब्बारे उड़ रहे थे वो फुस हो जाते हैं, मतलब वो उड़ रही थी ऐसे, और अभिषेक उसका कान पकड़ के उसको एकदम से नीचे ले आता है कि बहन तू उतना मत उड़। और आपने देखा वो बंदा कितना बेटा 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 करके उसको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आया, संबोधित करते हुए नजर आ रहा था। सो ये अभिषेक मल्हान है यार, जो कि ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहा था। एंड आई रियली अप्रिशिएट अभिषेक्स एफर्ट। व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरीके की चटपटी अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना। बाय बाय।